الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बंदे तो मिल ही जाएंगे पर मौला न मिलेगा। अरे तारीख ढूंढेगी सानी है मुहम्मद, सानी तो बड़ी बात है साया न मिलेगा। पर हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां है चीज क्या लौहो कलम भी तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना। सोने नबी अजपाल नबी मक्की ते मदनी नबी दी बारगाह रिसालत माव दे अंदर लखा करोड़ा मरतबा तो सलाम होवे। रात काफ़ी गुजर चुकी है, मेरे ख्याल च मैं कहना कि दुआ ही करा देंगे। कि तुम गल भी सुनाई है, अच्छा किताब एक होना चाहिए, अच्छा तेरे किताब हो चुके ने। और इतना पता है कि कायनात के चप्पे चप्पे उत्ते साढ़े नबी का जिक्र हो रहा है। मैं एक आम जिया छोटा जिया खतीब हाँ, तो पंजवा प्रोग्राम मेरा है। ये मेरे दोस्त डॉक्टर सुधार साहब आए बैठे खंडा शरीफ तू, इस्लाम शाह साहब और गजनफर शाह साहब उन्होंने साथी आए हैं। इन्होंने पता है पिछले मेरा प्रोग्राम सुन के आ रहे हैं 102 dB में। डॉक्टर जिशान साहब का हुक्म होया कि जनाब शाह साहब तुम आना है। दुआ करो रब्बुल आलमीन इन्हों के वालिद गिरामी हाफिज मोहम्मद अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इस महफिल का सवाब उन्हों की रूह तक पहुँचा। ज़्यादा टाइम नहीं लवागा, जिनी देर बैठो तो सुर नाल बैठो।
पहले मेरे तो चंगे खतीब सन तो सोना बयान कर गए ओ जिस तरह जोर ला रहे सन मेरे तो लगे ही नहीं जाना क्योंकि मेरा मैसेज गला जड़ा ना वो थोड़ा वो जिस तरह कहना साढ़े साढ़े मेरा साउंड चाइना वाला वो सन जापानी ठीक है ना वो तो माशाल्लाह काल कट गए तो मैं इतनी देर नहीं करना जे अगर तुम ना बोले तो मैं दस मिनट बाद में चुप हो जाऊंगा उची कहूँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसी किताब बड़े सोने सोने गल के जिनी देर सुनना गल चंगी नबी का जिक्र है और जिक्र नबी सुन के हर जुबान नहीं बोल सकती ना तो नबी के जिक्र हर बंदा आ सकता है रसूल ने मिलाद की महफिल आने की खातर ना मां का नेक होना ते प्यो का एक होना शर्त है जो समझ आई उची कहो सुभान अल्लाह तारे लग जाएंगे मोहर लग जाएंगे अल्लाह क्यामत दिन आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों
मैं जितो अलामा साहब छड़ के गए ना गल करनी हो तो शुरू क्योंकि पिछलियां गल्लां सारियां तुसीं सुन लईआं ने। नबी अलैहि सलातो सलाम हजरत हलीमा साजी दे वेड़े आ पुछी कहो सुभान अल्लाह फिर की होया तो हलीमा साजिया फरमाते ने कहा सारी का जमाना सी नबी अलैहि सलातो सलाम आए तो साढ़े कबीले विच बारां ही आ गईआं हर तरह बारां जनाबे वाला बक्तियां दे अंदर बरकत पै गई वो सात आठ बकरियां नूं जनाबे वाला वो सैकड़ां दी तादाद अंदर बकरियां बन गईआं। मैं तुहाडे नूं पुछदा लोग कहंदे ने कि हलीमा साजिया ने रसूल को 3 साल पाला उहदे कोल 7 बकरियां सन जदों रसूल आण लगे 1000 बकरियां सन। मैं तुहाडे तों पुछदा हलीमा साजिया पालदी रही कि रसूल अल्लाह हलीमा साजिया नूं पालदे रहे। बल्कि सारे कबीले कबीले की बकरियों की बरकत आ गई हर तरफ जनाबे वाला हरियाली हरियाली सी। मैं इसलिए कह रहा ठीक है कि एनु जमाना इस तरह ही कहना है लेकिन आशिक इस तरह कह रहे हैं कि हलीमा सादिया मेरे नबी नु नहीं पालती रही बल्कि सारे कबीले नु मेरा आका इमाम उल अंबिया ने सलातो सलाम पालदा रहे। सरकार ने लोग कहते बीमारियां खत्म हो गई। हलीमा सादिया फरमानिया ने कि एक दिन मैं वेख्या नबी अली सलातो सलाम रात में मिले सी तो सुते सी कमली वाले आकर सलातो सलाम इस तरह आसमान वाल देखते रहे ते आसमान दे चन्न उंगली का इशारा करते जिस तरफ कमली वाले दे उंगली का इशारा जाता है आसमान दे चन्न उस तरफ दौड़ ला देता है। हलीमा साहिबा फरमानिया ने मैं परेशान हो गई मैं सोचन लगी आसमान दे चरण की होए कभी सज्जे जावे कभी खब्बे जावे फिर मैं वेख्या अपने मुहम्मद मुस्तफा कमली वाले आका नूं सोना जिस तरफ उंगली करदा सी आसमान दा चरण उस तरफ चला जांदा सी। मेरे आला हजरत बोल पे आप फरमांदे ने चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महादेव चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महादेव क्या हलीमा साजिया फरमानिया ने नबी अली सलातो सलाम आप जो थोड़े बड़े होए ना तुरंत दे काबिल हो गए तो फिर नबी अली सलातो सलाम एक दिन आए मेरे को आके कह लगे अम्मा ए मेरा भाई बास ने लिखे कि अपना हमाम सी और बास ने लिखे कि अब्दुल्ला सी। उन्होंने पूछा कि कितने जाना समय से उसने बकरियां लैके बेटे मोहम्मद तेरा भाई अब्दुल्ला बकरियां लेके जंगल की तरफ जा रहे अब कहता ने कल मैं अपने वीर दे नाल मैं भी बकरियां चारण की खातिर जावांगा। अल्लाह तेरी मां सादिया कह रही है पुत्रा तू मक्के दे बड़े सरदार दा पुत्र है तेरे कंधा भी लग गया ते मैं हलीमा दी जान निकल जाएगी तेनों कोई तकलीफ पहुंचे आप फरमान लगे अम्मा जमाने उन सर चाहता कि आमना दी शान की है कि आप हजरते हलीमा दी शान की है जना दिया बकरी अल्लाह तो रसूल चार के ने मैंने आकर सलातो सलाम बोला वो हजरते हलीमा साबिया फरमान लगिया बेटा अगर तू इसरार कर दे ते तेरी मर्जी है। अगला दिन होया मेरे पाक नबी इमाम अल अंबिया ने सलातो सलाम
आप हजरत हलीमा सादिया के बेटे के नाल बकरियां चारण की खातर जा रहे हैं। मेरे आका पीछे सन बकरियां के सन हजरत हलीमा सादिया का पुत्र हजरत अब्दुल्ला बकरियां नो लेके जा दी खातर हाक दे बकरियां चल चल चलने का नाम नहीं लेनिया भैया। अब कहे अम्मा पुत्र मुहम्मद वर्गा
उस्मान रोंदी की लोरे क्यों रोंदी पिए किस चीज ने मोहम्मद इमान औलाद ते आप फरमान लगिया बेटे मोहम्मद कल्ले दे सारा गुजर बसर एना बकरियां नु ते होंगे एक एक चक करके अगर जंगल दे जावर चुगदे रहे सारिया सारिया बकरियां खत्म हो जानियां अज बत्ती बकरी जंगल दे जानवरां ने चक लई आपने हजरत अब्दुल्लाह तो पूछिया किथों बकरी चुकी गई सी ओ आप ले आप ने मैं अम्मा रोना बंद कर दे मैं जा बकरी जाने ते तेरा बेटा मोहम्मद रसूल अल्लाह जाने अल्लाह ते अली मां सादिया फरमान लगिया बेटे मोहम्मद जेरे जंगल दे जानवर बकरियां चुक लावन ओ के वापस करते ने चोर चोरी कर जान ते वापस नहीं आवे आ फरमान लगे अम्मा इतने अनिठिया ओ मेरे
जानवर जरूर है पर जान दिए कि मैं कौन हूं।
परेशान भी जान दिया, मकान भी जान दिया, और दोनों ने बड़ा मुश्किल भी लाया। जिस बच्चे को कहने लगे कि जब हूं मेरे थर छड़ दो, अल्लाह के रसूल मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अम्मा जो तू जा रही है फिर सानू भी नाल लै चलना, असी भी आकर ना तो कुर्बान हो जाइए। जो आई जनाबे वाला नबी अली सलातो सलाम ने कहा उधर शिकार आ रहे हैं, तो यहूदी ने कहा जनाब शिकार के बाद लमा में ना, पहले असी तुम्हारे शिकार हो गए हैं, सानू कलमा पढ़ा के गुलाम पढ़ा। जानवर भी जानते ना कि नबी ए नबी इंसान हो के जनाबे वाला रबी उल शरीफ आता ना, कई बरसाती मैडम कनाने वाला टीटी कांडा शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने सुनिया ने बारह रबी उल जुलूस कट लिया, इन्होंने नबी दिया महफल मिलाद मनाया कितने लिखे है ऐसा काम का अल्लाह के बंदे हो, जो ना भी लिखे होना सानू अल्लाह ने अपना महबूब बता दिया है। तालीम बाद रशीद के अंदर ना इन्होंने देवबंदी ना बहुत बड़ा आलिम है दीन रशीद रशीद अहमद गंगोई, और उनको किसी ने पूछा जनाब ऐ बच्चे की सालगिरह के मुतल सालगिरह करना कैसा है यादाश्त की खातिर और उनके ताम पकाना किस तरह खाना पकाना, उन्हें कहा जायज है तो बायस के सवाब। मैं क्या जनाब अगर तुम्हारा बच्चा जमे उनकी सालगिरह भी जायज है तो उनका लंगर भी जायज है तो की ख्याल है, ये तो हजरत आमना का लाल दुनिया तक तो उन्होंने बर्थडे जायज कोई नहीं, उन्होंने ईद मिलाद भी जायज कोई नहीं। अल्लाह ने हजरत ईसा की सलात सलाम की कौम ना अल्लाह ने उन्होंने क्या करो अल्लाह रब्बा अंजिल अलैना मायतन समा तकून लना ईदन अवलना व आखिरना व आयतन मिन कमर ज़ुखना व खैर राजिकी वला इन खातिर आसमान को मायदा होता अल्लाह ने दस्तरखान उतारया कि उन्होंने कहे सारी अगले ने पिछले की खातिर खुशी दे दिन होवे और ईद दा दिन बन जाए, उन्होंने खाना मिलया तो उन्होंने ईद की थी और सानू हुसैन दा नारा मिले सानू अल्लाह ने सारीयां नेमतां सोने नबी दे सदके दित्तियां ने असीं फिर भी नबी दा मिलाद ना मनाईए। मैं और सुनो जो कलीम बनाने की खातिर गए ना तूर उते अल्लाह ने फरमाया फखला ना अलैक इन्नक बिल वादिल मुकद्दस दुआ, कलीम जूते उतार पता नहीं है मुकद्दस वादी है। जब मेरे नबी ने सलातो सलाम मेराज पे गए ना अर्श आजम पे पहुंचे अल्लाह के अर्श आजम पे नबी ने सलातो सलाम ने नालायन उतारने का इरादा किया तो आवाज कुदरत आई महबूब नालायन समेत आए ना हमने की मौला कलीम को तो टोक दिया था, कहा था फखला ना अलैक इन्ना कबील वादिल मुकद्दस दुआ वो तूरे सीना था ये अर्श अल्लाह है, तो फरमाया के ऐ महबूब आप पर दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कलीम और होता है हबीब और होता है। मूसा ने सलाम को सलाम गए 40 बंदे नाल लेके गए, अल्लाह ने एक तजल्ला दिखाया सारे मर गए। मूसा ने सलाम को सलाम तो होश आया ना कि तुम्हारा बंदे लेके आए थे मैं गवाही नहीं खाते ये वापस जाएंगे तेरे रब होन भी गवाही देंगे। उन्होंने कहा ना लन नुक मिला ना हत्ता अल्लाह जारा असी उस वक्त तक मन्ना के नहीं जब तक रब को अपनी आंख ना ना देखी। आज कड़क आई तो सारे जनाबे वाला मर गए। मूसा अलैहि सलाम से ना तो होश आया ना कि मौला ऐ तो मैं लेके आया सी ना गवाही देनी सी ते 14 बंदे सी ऐ मेरी कौम ने ते ए मर गए ते तुम तो पीछे छड़न गए नहीं इन्हां नु जिंदा कर। अल्लाह अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम दी दुआ उते 40 बंदे जिंदा कर दिए। कुछ गौर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 40 मरे हुए बंदे जिंदा किते। तो सुनो जो साडे नबी जो मेराज ते गए ना ते अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी इतनी उम्मत बख्श दी। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया नाम उम्मत मौला बड़ी ज्यादा ज्यादा है हत्ता के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब जिस की तरफ तू इशारा करेगा मेरा बोलो जन्नत दे देगा। पता चला कि जो अपनी उम्मत के 40 बंदे जिंदा करके वापस ले आए उस मिराज के मौके पर अल्लाह से मुलाकात के मौके पर जो 40 बंदे मुर्दा को जिंदा करा के ले आए उसे कलीम कहते हैं, जो अपनी सारी गुनाहगार उम्मत को पछतावा के जन्नत का पर
फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अन करे भावा, आपको इतना अदा करेंगे आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होगा जब तक मेरा रब मेरे आखिरी उम्मत उम्मती को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। सबसे पहले शफाअत करेगा और जिसकी सबसे पहले शफाअत कबूल की जाएगी, हाँ हाँ वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह हमद का झंडा मोहम्मद मुस्तफा पे बार करेगा और आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। जब नबी हमारे नबी के झंडे के नीचे खड़े होंगे और वो फख्र करने लगे सुभान अल्लाह मौला तेरा करम हो गया, आज हमें मोहम्मद मुस्तफा के झंडे के नीचे जगह मिल गई है। उम्मती कितना खुशकिस्मत है कि हमने दुआएं तो नहीं की अल्लाह ने हमें अपने हबीब का उम्मती बना दिया है। सुने मेरे आका ने सलातो सलाम ने फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना, मैं युहर्रिकु हिरातल जन्ना, मैं ही तो हूं वो जो सबसे पहले जाके दरवाजा जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। फयदखिलुहा कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत के दरवाजे को खोल देगा, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं ना, फमाइल फकरा अल मुमिनीन, मैं अपने इन गरीब उम्मतियों को अपने कंधे के साथ कंधा मिला के जन्नत में लेके जाऊंगा। अमीर पीछे बैठे होंगे, 500 साल पहले रसूलुल्लाह के गरीब आशिक जन्नत में चले जाए, कितनी खुशबख्ती की बात है। जनाब आला आखिरी बात सुने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए ना तो हर तरफ तो चर्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के थे। आप फरमाते हैं कि एक यहूदी था बकरियां चारा डे तो एक आया बिगियार, उन्हें बकरी चक्की से दौड़िया, बकरी चक के थे पीछे जरा वो बकरियां वाला मालिक सी वो बड़ा तकड़ा सी डंडे वाला सी वो डंडा लेके पीछे दौड़ गया, नसिया गया बिगियार लेके जा रहे थे वो पीछे पीछे, बंदा तकड़ा सी उन्हें बिगियार ने मुंह चोटी बकरी खोल वो छुट्टी बकरी तो सामने टिब्बे पे जाके बैठा ना, उन्हें रोक कर लिया उन्हें तरफ उस बंदे तरफ, उन्हें कहते शर्म नहीं आनी अल्लाह ने मेरे रिजक देता सी मेरे मुंह चुका लिया। सुभान अल्लाह क्या बात है, विज्ञान भी भेड़िया भी कलाम करने लग गए, बड़ी अजीब गल है। उन्हें क्या है कड़ी अजीब गल है, इस तो बड़ी अजीब गल नहीं कि जा जा चला जा मदीने के अंदर, इमामुल नबी आ गए हैं, रहमतुल आलमीन नबी आ गए हैं, शफीउल मुज़नबी नबी आ गए हैं, आखिर उस जमाने में भी आ गए हैं, जाओ ना कलमा पढ़ इस जहां भी कामयाब हो जाएगा अगले जहां भी कामयाब हो जाएगा। जानवर हो गए जनाब, उन्हें कहा ठीक है ऐड ना पर ऐ तू चार रख दिया मैं फिर चला। वो आ गया मदीने नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अंदर, आ गया मैं नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, सारी गल सुनाई मैं नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए बाहर सियामों में जमा किया और वो मैं दसो इन फिर खड़ा होकर सारा वाक्य सुनाया। फिर नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इजाजत लेके तो आने लगा ना, वो सुना रहे थे ख्याल आया होंगे कि पता नहीं वो पीछे जितनी बकरियां ना उन्हें की बनया है जानवर तो कितने उन्हें पाट दे दियो, ऐसे अंदर ख्याल आया तो गैर था नबी ने फरमाया तू तू जिस तरह वाक्य सुना रहे ना वो सुनाई जा बकरियों का ख्याल कर दे, जो तो वापस जाएगा ना अपने नग गिर नहीं
ਉਹ ਭੇੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਆਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਆਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ तेरा रब कौन है अमाल की तरफ आने के भी अभी ये तरफ
इरादा करे तो मदीने के ताजदार कहे मदी फरिश्तो रुक जाओ, ये मेरे दुनिया में नारे लगाता था, इसकी कब्र में मैं आ रहा हूं, मैं बताता हूं इसका नबी कौन है, इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। सुनो, जब नबी कब्र में आ गए तो बंदा अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह आपने करम नवाजी की, करीब की कब्र में आ गए, आका दुनिया में आके सटेज बदलाता, झंडिया लगाता, लंगर पकाता, इस्तकबाल करता, मेरे महबूब फरमाने लगे ओ नबी घबराना, तेरी कब्र में इसलिए आया हूं, अल्लाह का वादा है कि महबूब जिस जगह पे तू होगा अजाब नहीं भेजूंगा, तेरी कब्र में चला आया हूं कि रब तेरे आमाल की तरफ ना देखे, सूरत यार की तरफ देखे। बस सूरत यार की तरफ देखे। दुआए रब जलाल, हम यहां पे आए बैठे मौला, तू भी अपने हबीब की सूरत की तरफ देखते हो। इन गुलामों, इन मस्तानों, इन परवानों को मौला इश्क मुस्तफा में मजीद इजाफा फरमा। जब मौला हमारा वक्त निजा हो तो सामने चेहरा मुस्तफा हो। मौला इस मिलाद में आने वाले जितने भी यहाँ पे आए बैठे हैं, इसी साल दरे रसूल की हाजिर नसीब फरमा। इलाह आलमीन डॉक्टर मोहम्मद ईशान साहब ने ये एहतमाम किया और अहले मोहल्ला ने मिलकर एहतमाम किया, मस्जिद की कमेटी ने एहतमाम किया। मौला तेरे इल्म में है, जिसने जिस तरह से एहतमाम किया मौला, उनके भाइयों ने मिलकर मौला ये मिलाद मुस्तफ़ा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ करीम मौला, ये हमारे कुछ साथी ये खानका शरीफ से और बहावलपुर से ये आए बैठे हैं, इलाह आलमीन इनका ना कबूल मंजूर फरमा। मौला जो आज तेरे नबी का जिक्र सुन के खुश हुए हैं ना मौला, जिन्होंने हाथ बुलंद कर किए थे, तेरा नारा हाथ बुलंद करके लगाया मौला, इन हाथों को किसी गैर के सामने फैलाने ना देना मौला, इन हाथों को हमेशा सलामत रखना। और इलाह आलमीन ये दिन जो दिन में ठंड पड़ी है तेरे महबूब का जिक्र सुन के मौला, आज रात जब जाके सोई ना निदार मुस्तफ़ा नसीब फरमा, दुआ है रब्बुल इज्जत जलाल ये कलिमात कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। सुनो आखिरी शेर सुनो पीर बाउदा, तो उस सुबह मैं इजाज़त चाहूँ आप फरमा देने जिना मिलिया नबी सहारा।